नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर। और यहां पर हम लोग डायमेंशन को सीख रहे थे और डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस का कुछ वीडियो हमने अपलोड किया था। आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इसका जानकारी लें। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज, ये सब हमने सिखा चुका है। और यूज नंबर 1, 2, 3, 4 ये हमने वीडियो अपलोड कर दिया। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं यह है हमारा डायमेंशनल इक्वेशन का यूज नंबर 5। और बहुत ही आसान होगा, आप समझने की कोशिश करेंगे हमें समझाने की, हाँ, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे ढंग से। तो देखते हैं, यहाँ पर एक यहाँ हेडिंग जो दिया हुआ हमने कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन की सहायता से वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू को फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। एक सिस्टम मतलब कि यूनिट, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये सब जो होता है, तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तरीका हम यहां बताने वाले हैं। जैसे आप देखें कि अगर हम कहें कि यह 1 kg है, तो आप इसको 1000 ग्राम भी तो लिख सकते हैं। यानी कि यह क्वांटिटी और यह क्वांटिटी दोनों ही क्वांटिटी सेम है। और इसमें है क्या, देखिए यह है न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम, यह है पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हमने N1 लिखा है, और यह है इसका यूनिट, पहले सिस्टम का यूनिट U1। यहां है दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और दूसरे सिस्टम का यूनिट U2। और हम जानते हैं कि यह क्वांटिटी 1 kg या फिर 1000 ग्राम दोनों बराबर ही होगा, निश्चित रूप से बराबर होगा। यहां पर देखिए आप, तो N1 U1 यह क्वांटिटी और N2 U2 यह क्वांटिटी दोनों ही बराबर होंगे। अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग, अगर हमें पूछ दिया कि आपको 1 kg दिया हुआ है और ये नहीं मालूम कि हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 kg, तो ये वैल्यू अगर पूछ दिया जाता है कि आप बताएं, तो यहां से देखिए हमें क्या पूछा है, N2 पूछा है, N2 यानी कि N2 का वैल्यू आप निकाले, तो N1 into U1 और ये आएगा इधर U2। अब इसको आप डायमेंशन पर कैसे लेकर जाएंगे वो देखिए, आप न्यूमेरिकल वैल्यू को रहने दीजिए और इसको मास, लेंथ और टाइम इसको कीजिए M1/M2, और जो भी क्वांटिटी रहेगा उसका डायमेंशन हमने मान लिया यहाँ ए है, इसको कीजिए L1/L2 और यहाँ पर पावर दे दीजिए बी, और इसको किया T1/T2 और पावर दे दिया सी। यहाँ हमें N2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये आपका समझिए कि बेसिक थ्योरम हो गया। यहीं से अगर N1 का वैल्यू पूछा जाएगा, N1 का वैल्यू, तो आप इसको N2 और U2/U1 लिखेंगे, तब यह बदल जाएगा। अब ऊपर में सब 2 वाला आएगा और नीचे में 1 वाला आएगा। देखिए आप, N2 इंटू यहां हो जाएगा M2/M1 का पावर जो भी रहेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसका डायमेंशन, और यहां पर L2/L1 और यहां पर B पावर और यहां पर T2/T1 और यहां पर C पावर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, आप यहां से अब स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से आप यहां तक नोट कर सकते हैं। एग्जांपल अब देते हैं हम लोग क्या है। एक एग्जांपल है, वन न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन। आपको न्यूटन को डाइन में, मतलब कि यह एसआई यूनिट है और यह सीजीएस यूनिट है, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन। यहां पर हमें N1 का वैल्यू दिया, U1 दिया और N2 हमसे पूछ दिया कि भैया N2 का वैल्यू क्या है, ये N2 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है।
ठीक है। देखिए यहां पर एम टू हमने अभी अभी बताया कि एन वन और आप एम वन बाय एम टू पावर यहां पर ए, एल वन बाय एल टू पावर यहां पर बी और टी वन बाय टी टू पावर यहां पर सी। अब यह है क्या, तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल तीन वर्ष टू हम लोग पढ़े हैं, तो इसका आप डायमेंशन यहां पर पुट कर लीजिए कि एम का पावर वन, एल का पावर वन और टी का पावर माइनस टू। यहां देखिए आप एन वन, या एन वन तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, चलिए उसके बदले में हम लोग वन रख सकते हैं। अब एम वन आप रखेंगे, ये सब पहले रख लीजिए, एम वन बाई एम टू पावर दे दीजिए वन, एल वन बाई एल टू पावर दे दीजिए बी वन, टी वन बाई टी टू पावर दे दीजिए माइनस टू। ओके, अब यहां पर जो भी वन वाला है वो सारे के सारे एसआई सिस्टम में है, मतलब यह कि वन ये सब एसआई वाला है, यह जो है वह एसआई है और यह जो है वह सीजीएस है, फोर्स का यूनिट है, फोर्स पर हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहां पर आप एसआई में रखेंगे वन केजी और नीचे वाला सीजीएस में है तो रखेंगे वन ग्राम, पावर देखिए आप वन है, तो वन दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल वन यह है एसआई में यानी कि वन मीटर और यह वन सेंटीमीटर, सीजीएस में लेंथ है यह और यह मास था पावर वन, यह टाइम सेकेंड है तो एक सेकेंड और फिर एक सेकेंड और इसका पावर माइनस टू, ये तो कैंसिल हो गया और वन आया, वन का पावर कुछ भी रहेगा तो वन ही आएगा, आपको यहां से कुछ पावर से कोई खास मतलब है नहीं। अब इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें, हमें पहुंचना है एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम देखिए आप, एसआई सिस्टम में जो भी दिख रहा है उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वन केजी तो इसको आप सीजीएस में जाइए तो वन केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आप यहां रखेंगे 1000 ग्राम यानी कि 10^3 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, आप यहां ग्राम से ग्राम काट लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, यहां पर आप 1 मीटर इसको आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, इसका भी पावर 1 था इसका भी 1 है तो कोई फर्क नहीं है। अब इसको आप काट लीजिए, 100 को आप लिख सकते हैं 10^2, ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइनली आपको क्या मिलने जा रहा है, देखिए यह तो 1 हो चुका है, 10^3 × 10^2 यानी कि 10^5, ये 1 इसी में मल्टीप्लाई हो गया यानी कि एन टू का वैल्यू हमें आ गया 10^5। अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 dyne, 10^5 dyne, एन टू का वैल्यू कितना आ गया 10^5 dyne, यानी कि फोर्स का वैल्यू अगर 1 न्यूटन होगा तो वो डाइन में कितना होगा 10^5 dyne के बराबर होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपको हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। एक और एग्जांपल है, बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन आपको यहाँ ज्यादा नहीं, सिखाने की कोशिश है हमारी, बात बाकी आप खुद बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि 1 जूल को आप कितना अर्ग लिखेंगे, और यह जूल और अर्ग सीजीएस यूनिट है उधर अर्ग, हमें यहां पर काम जो करना है वह किस पर करना है, वर्क पर करना है, तो उसका डायमेंशन हमें मालूम होना चाहिए तभी आप बदल सकते हैं। तो वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर 3/2। आगे देखिए आपको कॉन्सेप्ट वही है, यह एन वन है और यह यू वन है, यहाँ पर एन टू हमसे पूछा गया है और यह यू टू है, तो आप यूज करेंगे एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, एन टू का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो एन वन या यू वन बाई यू टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एम एल टी के फॉर्म में लाने की कोशिश करें, तो एन वन इंटू यू एन यू वन यानी एम वन बाई एम टू, यहां पर आप पावर दे दीजिए ए, एल वन बाई एल टू यहां पर पावर दे दीजिए बी, और टी वन बाई टी टू यहां पर पावर दे दीजिए सी। अब यहां
एन वन और ऊपर वाला सारा का सारा वन वाला जो भी है वह एसआई सिस्टम है, यह जो है वह एसआई सिस्टम है और यह जो है वह सीजीएस सिस्टम है। तो आप यहां देखें, हमें एसआई वाले को सीजीएस में बदलना है तो ये सभी आप एसआई में लिखेंगे। यहां देखिए आप, तो लिखेंगे आप वन केजी, यहां लिखेंगे वन ग्राम, जो टू वाला है ये सारे सीजीएस में है। आप ये मास है एम वन बाय एम टू, और यहां पर डायमेंशन आप लगा सकते हैं, मास का डायमेंशन वन है वहां पर, तो आप यहां पर वन रखें। फिर आगे बढ़िए, एल वन लेंथ है तो आप इसको वन मीटर डालेंगे और नीचे आप वन सेंटीमीटर डालेंगे, और ये पावर बी, और यहां पर दो, बी का वैल्यू मतलब कि दो, और यहां टी का डायमेंशन आप यहां सेकेंड रखेंगे, वन सेकेंड और वन सेकेंड सेकेंड, और पावर कितना माइनस दो, ये तो कैंसिल हो गया, वन का पावर माइनस टू, फिर से वन ही बचेगा उधर। एन वन का वैल्यू आपको वन दिया हुआ है, वन वन केजी यानी कि वन केजी वन थाउजेंड ग्राम होता है, तो टेन का पावर थ्री ग्राम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वन ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर लीजिए। यहां पर वन सेंटीमीटर यानी कि हंड्रेड सेंटीमीटर, वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वन सेंटीमीटर, और यहां पर आप पावर टू दे दीजिए। अब यहां आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू वन है इसका, एन वन का, तो ये वन इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको यहां सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल करें, कुल मिलाकर टेन का पावर थ्री इंटू टेन का पावर टू, और यह हो जाएगा टेन का पावर फोर, फाइनली आपको टेन का पावर सेवन आ गया। ये आपको एन टू का वैल्यू मिल गया, मतलब यह वन जूल इक्वल टू टेन का पावर सेवन अर्ग। ओके, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंजिंग करेगा तो आपको ये देगा कि आप यहाँ पर जो एन वन का वैल्यू है, जैसे यहाँ पर वन जूल था, यहाँ पर अगर फाइव जूल दे दिया कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर एन वन जो यहाँ वन था उसके बदले आप क्या करेंगे, फाइव डालेंगे, और यहाँ पर आएगा फाइव इंटू टेन का पावर सेवन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो जो भी वैल्यू देगा, तो क्वेश्चन एन वन एन टू जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं, और एन वन एन टू का जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार आप यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम लोग वन लेकर चले थे कि वन जूल में कितना अर्ग होगा, तो हमें ये वर्क पर काम किया, इससे पहले हमने फोर्स पर काम किया, तो इस तरह से प्रेशर पर भी चाहे जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हम लोग डायमेंशन को बेसिकली सीख चुके हैं कि डायमेंशन क्या है, और डायमेंशन का मतलब कि किस तरह से आप उपयोग करने वाले हैं डायमेंशनल इक्वेशन का, ये पांच उपयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस होता था, अभी तो कोरोना वायरस के चलते बंद है, तो उस ऑफलाइन क्लासेस में हम अपना नोट्स कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो हम उस पर लेकर आएंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और बेहद बहुत सारी जानकारी उसमें अलग अलग ढंग के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक।